हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो में भी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से निकालते हैं, फिर नेस्टेड लूप, कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से निकालते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे लॉगरिथम्स, ठीक है, कि मतलब कौन सा एल्गोरिथम है जिसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग में आए। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। तो लूप स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने अपना एक बेसिक सा जो है अपना एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नंबर ए वन लूप के लिए ए नंबर, ठीक है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, मैंने उसमें डिटेल में समझाया हुआ था किस तरीके से लेते हैं। आज जो है हम लोग सिंपली एन लेकर के चलेंगे। तो जैसे ये वाला स्टेटमेंट है हमारा, आई की वैल्यू वन से लेकर के स्टार्ट हो रही है और हमारा आई लेस देन इक्वल टू एन तक जा रहा है आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ये हमारा एटरेटिव एल्गोरिथम है, रिकर्सन नहीं है, रिकर्सिव यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फॉर लूप है। कितनी बार ये एग्जीक्यूट करेगा ये हम लोग को ध्यान रखना है, एक बार के लिए एक यूनिट ऑफ टाइम। तो जितनी बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा उतना यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो बेसिकली अगर एक यूनिट ऑफ टाइम मान के चल रहे तो जितना बार एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेगा मतलब आइटरेशन हम लोग को वही फाइंड आउट करना है, वही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो वन से स्टार्ट हो रहा है आई और एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब अगर एन की वैल्यू पांच रहेगी तो ये स्टेटमेंट पांच बार एग्जीक्यूट करेगा, छह रहेगी तो छह बार एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जब जैसे हम लोग कहते हैं कि एक बार एग्जीक्यूट करेगा, दो बार एग्जीक्यूट करेगा, तो ये एन टाइम है तो ये एन टाइम एग्जीक्यूट करेगा। तो हम लोग को पता है कि ये एन प्लस वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा। एन प्लस वन टाइम क्यों? क्योंकि एन टाइम्स के लिए ये हमारा अंदर वाला, ये हमारा जो कंडीशन ये करेक्ट होगा, तो अंदर की स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगी और एक और बार हमारा स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट कर जाएगा जिसके लिए हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा लेकिन अंदर वाला स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जब ये एन प्लस वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा तो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा वो एन टाइम एग्जीक्यूट करेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये वाली एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारा एन प्लस वन प्लस एन, यानी कि टू एन प्लस वन, यानी कि हमारी यहाँ पे हो जाएगी एफ ऑफ एन इक्वल टू टू एन प्लस वन है, तो एफ ऑफ एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि हम लोग हायर ऑर्डर टर्म लेते हैं और बिग ओ हायर ऑर्डर टर्म लेते हैं जो एन है, और बिग ओ इसलिए क्योंकि हम लोग वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू वन से लेकर के स्टार्ट हुआ है, आई लेस देन एन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस टू है, मतलब आई की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट नहीं हो रही, दो से इंक्रीमेंट हो रही है। तो जैसे कि मैं समझाने के लिए बोलूं, तो जैसे मान लेते हैं कि एन की वैल्यू टेन है, ठीक है, एन की वैल्यू यूजर ने टेन डाला है, तो आई की वैल्यू आई जो है कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, आई होगा हमारा सबसे पहले वन से स्टार्ट होगा, हमारा स्टेटमेंट जो है वन लेस देन इक्वल टू टेन करेक्ट होगा, अंदर वाला स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा, फिर से दोबारा जाएगा। तो जब दोबारा जाएगा ना तो जो इंक्रीमेंट पार्ट होगा वो कितना होगा, वन प्लस टू, मतलब टू से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जब वन था तो टू से इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब फिर हो जाएगा थ्री, फिर उसके बाद कितना, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा तो फाइव होगा, फिर सेवन होगा, फिर नाइन होगा, उसके बाद 11 होगा। और जैसे ही 11 होगा ना ये वाला स्टेटमेंट, 11 में क्या होगा, हमारा ये कंडीशन चेक करेगा 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10, तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर लूप जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी बार चला, देखो n टाइम्स यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू कितना है 10 है, लेकिन स्टेटमेंट कितनी बार चल रहा है, एक दो तीन चार पांच और ये छह, छठा बार में फेल हो जा रहा है। तो अंदर वाला स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, पांच बार चल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, एन प्लस टू, एन बाई टू प्लस वन टाइम चल रहा है, ठीक है, इसको इरेज कर देती हूं मैं, ठीक है। तो एन प्लस वन बाई टू टाइम्स चल रहा है और ये वाला स्टेटमेंट एन बाई टू टाइम्स चल रहा है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखो हमें पता है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना वो फॉर लूप पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमारा फॉर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो उस पर डिपेंड करता है, मतलब हमने पहले भी देखा था इस पर डिपेंड नहीं करता है, हम लोग का जो है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये n बाई टू होगा, अगर ऐड करके भी देखे ना तो भी एक बार देख लेते हैं, चलो n बाई टू प्लस वन प्लस n बाई टू, तो क्या होगा n बाई टू प्लस n बाई टू एन प्लस वन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे एफ ऑफ एन यहाँ पे आया, तो एफ ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ एन, ठीक है, ये आया हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, एन बाई टू भी आया है ना, तो एन बाई टू भी हम लोग क्या करते हैं, एन बाई टू नहीं लिखते, हायर ऑर्डर टर्म को लिखते हैं, हायर ऑर्डर टर्म यहाँ पे आया है एन, तो एन लिख दिया, ठीक है। अब मान लो सिर्फ एन बाई टू भी लिखते ना यहाँ पे, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, एन बाई टू मतलब अंदर वाले स्टेटमेंट पे ही कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल को लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल नंबर थ्री, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आई इक्वल टू वन तो है, आई प्लस प्लस भी है, लेकिन ये जो कंडीशन है ना ये आई लेस देन इक्वल टू एन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे था,
आई लेस देन एन था, यहाँ पे भी आई लेस देन एन था, ठीक है। यहाँ पे है ए लेस देन इक्वल टू एन, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गया है। अब ये जो है कंडीशन ये हमारे ए की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है फॉर लूप। जब ए जो है हमारा ग्रेटर देन एन हो जाएगा तब हमारा फॉर लूप जो है रुक जाएगा। तो इस तरह हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये कितनी बार चलेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग अपना जो है डीबग करते हैं, इसको करते हैं डीबग करना। तो हम लोग चलो निकालते हैं अपना, यहाँ पे लिखा मैंने एक आई की वैल्यू, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए की वैल्यू, ठीक है। अब देखो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कितनी नंबर ऑफ टाइम चलेगा, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। हो सकता है कि एन नंबर ऑफ टाइम चले, मुझे नहीं पता है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कितनी नंबर ऑफ टाइम चलेगा ये चीज, हमें पता करना है, ठीक है। तो पता करने के लिए हम लोग आइटरेशन करेंगे, पहले आई इक्वल टू वन के लिए इस लूप को चलाएंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू वन के लिए ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू जीरो है पहले, तो जीरो प्लस आई, आई का वैल्यू क्या है वन, तो जीरो प्लस वन यानी कि ये हो जाएगा ए इक्वल टू वन। उसके बाद आई इक्वल टू टू के लिए सेम लूप चलेगा, आई इक्वल टू टू के लिए चला, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस आई, मतलब टू प्लस, यानी कि ये ए है ये आई है, यानी कि टू प्लस आई, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वन प्लस टू यानी कि थ्री। दोनों को ऐड किया ना, इसको और इसको ऐड करेंगे तो वन प्लस टू यानी कि थ्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई इक्वल टू थ्री के लिए जो हमारा लूप चलेगा, तो आई के इक्वल टू थ्री के लिए जब लूप चलेगा तो अंदर वाला जो ए का वैल्यू है वो क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा ए प्लस आई, फिर से तो फिर से ए प्लस आई होगा, यानी कि ये वन प्लस टू प्लस थ्री। देखो ये वन प्लस टू तो या ए का वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे इस वाले थ्री को, तो हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री, तो ये होगा क्या हमारे पास सिक्स, ठीक है। इस तरीके से ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, के टाइम्स चलेगा। अब फिर से किसी को डाउट आ रहा है के टाइम्स नहीं चलेगा, यहाँ पे है एन, एन टाइम्स चलेगा। यार अगर पता होता कि एन टाइम्स चलेगा तो बिग ओ ऑफ एन नहीं बता देते हम लोग, क्यों निकाल रहे हैं। हमें नहीं पता है कितनी बार चलेगा, क्यों नहीं पता है, क्योंकि ये जो हमारा कंडीशन है ना वो ए पे डिपेंड कर रहा है, ए की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जब ए लेस देन इक्वल टू एन होगा इसीलिए ए को हम लोग जो है इस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ध्यान देकर के चलना है ये वाला और ये वाले स्टेटमेंट पे, ठीक है। कितना कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया था जहां पर ये इस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा था टू से। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट वन से हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन भी तो ध्यान देना होगा ना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो चला है ये के टाइम्स चला है, ठीक है। तो के टाइम्स चला है तो ए का वैल्यू कितना होगा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, ये वन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 के, ठीक है। क्योंकि हम लोग देख रहे थे किस तरीके से आ रहा है, वन के लिए वन, टू के लिए वन प्लस टू, थ्री के लिए वन प्लस टू प्लस थ्री, तो के लिए वन प्लस टू प्लस लेकर के तक। अब ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा वो डिपेंड करता है इस वाले स्टेटमेंट पे, जितनी बार ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा ट्रू होगा उतनी बार ये अंदर वाला लूप चलेगा, और जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा ना ये स्टेटमेंट रुक जाएगा। तो हमें निकालना है अपना टर्मिनेटिंग कंडीशन। सो हमें पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगा हमारा, जिसमें हमारा लूप रुक जाएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग कंडीशन इतने में लूप रुक जाएगा, वो क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा हमारा ए लेस देन इक्वल टू एन के लिए। जब लूप रुकेगा इसका मतलब वो वाला कंडीशन क्या होगा, ए ग्रेटर देन एन होगा, ठीक है। ए ग्रेटर देन होगा तो लूप रुक जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना है, हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग का जो आइटरेशन चल रहा है वो इतनी बार, सम एक के नंबर ऑफ टाइम्स है जितनी बार हमारा लूप चल रहा है, तो ए की वैल्यू क्या है, वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर के इतना, ठीक है। तो ए की वैल्यू है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 के ग्रेटर देन एन। अभी हमें पता है ये सम ऑफ द सीरीज है वन से लेकर के तक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नहीं के है ना, k इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये होगा ग्रेटर देन n, ठीक है। अब इसको हम लोग फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस k बाई टू ग्रेटर देन n। हम लोग क्या करते हैं ना, हायर ऑर्डर टर्म को लेकर के चलते हैं, तो ये जो k बाई टू है प्लस k बाई टू ये वाले चीजों को जो हम लोग छोड़ देंगे, तो जो हायर ऑर्डर टर्म है उसको लेकर के चलेंगे, क्योंकि उसी पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्स डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं k स्क्वायर ग्रेटर देन n। तो जैसे ही k स्क्वायर ग्रेटर देन n हो गया तो हमारा ये k पे डिपेंड कर रहा है, तो k क्या हुआ, ग्रेटर देन रूट n। तो ये हुआ हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन, मतलब ये कितनी बार चलेगा, ये क्या था, हम लोग मान के क्या चले थे कि हमारा लूप ना k टाइम्स चल रहा है, और k का वैल्यू क्या आया, ग्रेटर देन n आया है, ठीक है। मतलब ये हमारा टाइट बॉन्ड आया, ठीक है ना, ग्रेटर देन n, ठीक है। टाइट बॉन्ड हम लोग मान के चलते हैं कि टाइट अपर बॉन्ड, तो ये हमारा k जो है ग्रेटर देन n है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या होगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू बिग ओ ऑफ रूट एन,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली रूट एन कहने का मतलब ये है कि मान लो सपोज यूजर ने इनपुट डाला, ये हमारे यूजर के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है जितना एन एन की वैल्यू होगी। तो सपोज मान लो यूजर ने एन की वैल्यू को डाला 4, ठीक है, एन इक्वल टू 4, तो हमारा जो टाइम होगा ना कितनी बार होगा, रूट एन यानी कि 2। तो मतलब अगर यूजर 4 डाल रहा है तो हमारा जो कोड चलेगा वो 2 बार चलेगा और 2 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी तरीके से वो जो है ना उसका रूट एन के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये आया हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे भी एक फॉर लूप लिखा हुआ है, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे कंडीशन हमारा थोड़ा अलग है। आई है, आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन बोला है और इंक्रीमेंट जो है 1 से हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किस तरीके से निकालेंगे, देखो हमें क्या आइटरेशन करने की जरूरत है क्या? यहाँ पे हम लोगों ने पूरा फाइंड आउट किया आई की वैल्यू को और ए की वैल्यू को, उसके बाद जो हम लोग सम कांस्टेंट के मान करके अपना काम किया, तो यहाँ पे वो चीज करने की जरूरत है क्या? हमें पता, हमें निकालना क्या था ये, इतना करने के लिए हमें निकालना क्या था ये टर्मिनेटिंग कंडीशन। यहाँ पे देखो यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन निकालने का जरूरत इसलिए था क्योंकि ये ए पे डिपेंड कर रहा था, ये हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये ए पे डिपेंड कर रहा था तो हमने ये निकाला। हमें यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पर जो है टर्मिनेटिंग कंडीशन में आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन दिया है, तो हमें पता है कि लूप, एक काम करते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन ही लिख देती हूँ। टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, कब टर्मिनेट हो जाएगा, जब हमारा आई स्क्वायर ग्रेटर देन एन होगा, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू एन के लिए वो कंडीशन सही होगा, जब ग्रेटर देन होगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब आई क्या होगा, ग्रेटर देन रूट एन, ठीक है। अब देखो हम लोग कह सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू बिग ओ ऑफ रूट एन होगा, ठीक है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने आई का वैल्यू ही को फाइंड आउट तो करना है ना, कितनी बार लूप चला। देखो यहां पे भी जो हमारा के आया था, के इस चीज हम लोगों ने k को फाइंड आउट किया ना, k ग्रेटर देन n, और ये k क्या था, k हमारा i का वैल्यू था, बाकी सबसे मतलब नहीं था, k हमारा i का वैल्यू था, तो k को हम लोगों ने निकाला ग्रेटर देन n, तो ये k है i की वैल्यू। अब यहाँ पे हमें k मानने की जरूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्टली पता चल गया i जो है ग्रेटर देन n है, रूट n है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ओ ऑफ रूट n, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना नेस्टेड लूप, ठीक है, ये वाला लूप, मतलब एक फॉर लूप के अंदर एक दूसरा फॉर लूप है, ये वाला एग्जांपल मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो हमें पता है कि ये जो फॉर लूप है इसको ध्यान से देखें तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई जो है लेस देन इक्वल टू एन तक जा रहा है, कंडीशन है हमारी, और आई प्लस प्लस है, ठीक है, ये है हमारा आई प्लस प्लस, तो हमारा जो क्या होगा टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या हो जाएगा, आई ग्रेटर देन एन, ठीक है। तो कितनी बार हमारा लूप चलेगा, एन टाइम्स, ठीक है ना, एन टाइम। तो हमने इसको पूरे अच्छे तरीके से हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि ये जो लूप होता है हमारा हमेशा एन प्लस वन टाइम चलता है, क्योंकि ये बेसिक फॉर लूप है हमारा, तो एन प्लस वन टाइम चलेगा। और जब हमारा कोई फॉर लूप एन प्लस वन टाइम चलता है तो हमेशा उसके अंदर की स्टेटमेंट जो है हमेशा एक कम चलती है, पढ़ा हुआ है हमने, तो ये चलेगा हमारा एन प्लस वन टाइम। तो इसके अंदर का स्टेटमेंट है ये वाला, ये एन टाइम्स चलेगा और ये वाला जो है एन टाइम्स चलेगा, ठीक है। ये फॉर लूप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड फॉर लूप को देखें तो ये भी फॉर लूप जो है हमारा 1 से स्टार्ट हुआ है और हमारा लेस देन इक्वल टू एन तक जा रहा है और एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा एन प्लस वन टाइम चलेगा। और इस वाले फॉर लूप के लिए हमारा अंदर का स्टेटमेंट बस एक ही है, तो ये एन टाइम्स चलेगा, तो ये इंटू एन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा यहाँ पर सेम एग्जाम्पल को, आई थिंक मैंने पहले भी बताया है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हमारे यहाँ पर क्या होगा, एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस एन स्क्वायर, यानी कि टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये एफ ऑफ एन है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हायर ऑर्डर टर्म हमारा यहाँ पे एन स्क्वायर है और ये जो है डिपेंड करता है हमारा अंदर वाले लूप पर, तो अंदर वाले लूप का जो है कितना बार चला है, एन इंटू एन टाइम्स, तो डायरेक्ट हम लोग एन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इतना निकालने की जरूरत हमें नहीं है। तो ये था हमारी टाइम कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल को हम लोग लेते हैं, ये भी हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें हमारे 3 फॉर लूप है, ठीक है, तो हमें अंदर की स्टेटमेंट से मतलब है। तो हम लोग किस तरीके से निकाला था, ये वाला हमारा जो है सिंपल है, एन प्लस वन टाइम चलेगा, तो बाकी सारा एन टाइम्स, और ये भी एन टाइम्स चलेगा और ये भी एन टाइम्स चलेगा। उसी तरीके से जब ये फॉर लूप का ध्यान दे तो ये फॉर लूप भी हमारा सिंपल फॉर लूप है, जो जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू एन, और एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, एन प्लस वन टाइम चलेगा, इसीलिए बाकी का अंदर का सब एन एन टाइम चलेगा। ये फॉर लूप हो गया। अब इस वाले फॉर लूप पे देखें तो ये फॉर लूप भी सिंपल सा है, के इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, के लेस देन इक्वल टू एन कंडीशन, और के प्लस प्लस तक हमारा एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब
क्या होगा हमारा, ये भी हमारा क्या चलेगा, एन प्लस वन टाइम चलेगा, और इसीलिए इसके अंदर की स्टेटमेंट सारी एन एन टाइम्स चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बिग ओ ऑफ एन क्यूब। डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि अंदर का सबसे जो अंदर का स्टेटमेंट है वो कितनी बार चल रहा है, एन इंटू एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है। हर एक बार के लिए एक यूनिट ऑफ टाइम, तो एन इंटू एन टाइम्स के लिए एन क्यूब इंटू वन, यानी कि एन क्यूब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। उसके बाद हम लोग एक तीसरा एग्जाम्पल को लेते हैं नेस्टेड फॉर लूप का। इस फॉर लूप के अंदर ये वाला फॉर लूप है, ठीक है। अब ये फॉर लूप तो ठीक है, आई इक्वल टू वन से जा रहा है, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर लूप है, लेकिन ये अगर दूसरा फॉर लूप को देखें तो ये जे इक्वल टू वन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जे लेस देन इक्वल टू एन नहीं है, यहाँ पे जे लेस देन इक्वल टू आई है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे क्या ये सच में ये भी एन टाइम्स चलेगा या कुछ और टाइम चलेगा, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा टाइम चलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, डीबग करना स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आई कितनी बार चलेगा, आई की वैल्यू के लिए, जे की वैल्यू के लिए, और आइट्रेशन मतलब कितनी, बेसिकली हमें क्या निकालना होता है कि कितनी बार वो लूप चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं। चलो पहले आई इक्वल टू वन के लिए, वन से स्टार्ट हो रहा है, आई इक्वल टू वन के लिए ये वाला मान लेते हैं, आई जो है लेस देन इक्वल टू एन करेक्ट है, तो ये लूप के एंटर हुआ लूप में। जे इक्वल टू वन हो गया, ठीक है, जे इक्वल टू जब वन हुआ तो ये वाला लूप चला और ये हमारा इसके एंटर हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जे इक्वल टू वन मतलब वन इज लेस देन इक्वल टू वन, क्योंकि आई की वैल्यू हमने वन लिया है, तो ये करेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये लूप क्या हुआ, जे इक्वल टू वन के लिए चला, और कितना बार आइट्रेशन हुआ, वन बार आइट्रेशन हुआ। तो जब ये हमारा लूप चल गया तो यहाँ से ये ब्रैकेट से ये बाहर निकलेगा तो फिर से ये फॉर लूप चलेगा, ठीक है। इस बार यहाँ तो नहीं चलेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होता है ना तब लूप से बाहर निकलता है। तो अभी तो ट्रू हुआ था, तो ये कंडीशन चला, फिर से दोबारा ये यहाँ पे आएगा, जे इक्वल टू टू हो जाएगा, और फिर हो जाएगा टू लेस देन इक्वल टू वन। तो टू लेस देन इक्वल टू वन, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है। तो मतलब जे इक्वल टू टू के लिए ये कंडीशन नहीं चलेगा, जे इक्वल टू सिर्फ वन के लिए चलेगा, तो नंबर ऑफ आइट्रेशन सिर्फ वन। अब ये वाला कंडीशन टर्मिनेट हुआ, तो अब ये इस लूप के अंदर जाएगा, यहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू वन से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वन था तो अब आई इक्वल टू टू होगा। तो जब आई इक्वल टू टू होगा तो ये क्या होगा, ये लूप के अंदर जाएगा, तो जे इक्वल टू फिर से वन से स्टार्ट होगा। अब ये मत सोचो कि जे टू से स्टार्ट होगा, अब यहाँ पे ये पूरा लूप फिर से स्टार्ट हुआ, ठीक है, पूरा लूप फिर से स्टार्ट हुआ। तो जे की वैल्यू वन होगी, तो j की वैल्यू जब 1 होगी, j लेस देन इक्वल टू i, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू i क्या है हमारा, 2 है, i हमारा 2 है इस बार, तो ये कंडीशन ट्रू होगा। तो मतलब j इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू होगा। अब j की वैल्यू 2 के लिए, j की वैल्यू जब 2 हो जाएगी हमारे पास 2, तो 2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे i की वैल्यू 2 है, तो इसके लिए भी करेक्ट होगा, मतलब 2 के लिए भी करेक्ट हुआ। जब j की वैल्यू 3 हो जाएगी तब देखते हैं, j की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन इक्वल टू 2, 3 लेस देन इक्वल टू रॉन्ग है, तो हमारा ये इसके लिए नहीं चलेगा। तो कितनी बार हमारा जो है लूप चला, एक बार आई जे की वैल्यू वन के लिए, जे की वैल्यू टू के लिए, ठीक है। तो आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन हो जाएगा हमारा इस बार टू, ठीक है। उसके बाद थ्री के लिए भी क्या होगा, जे की वैल्यू वन के लिए चलेगा, टू के लिए चलेगा, थ्री के लिए भी चलेगा, पर फोर में रॉन्ग हो जाएगा। तो कितनी बार चला स्टेटमेंट, तीन बार। तो इस तरीके से ये जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा एन टाइम्स चलेगा। देखो अब आप लोगों का दिमाग में आ रहा हो के टाइम्स क्यों नहीं लिए, हमने के टाइम्स लिया था इस वाले एग्जाम्पल में, कहा गया हमारा, हाँ यहाँ पे हमने k टाइम्स लिया था, हमें नहीं पता था, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो कंडीशन था ना, ये कुछ अलग सा कंडीशन था, यहाँ पे a की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था, हमें नहीं पता था ये कितनी बार चलेगा। तो इस वाले स्टेटमेंट के लिए हमने माना था k टाइम्स चलेगा, k टाइम्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान दो ना, तो हम लोग n लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हमें पता है यहाँ पे ये वाला फॉर लूप के लिए, ठीक है, ये वाला फर्स्ट फॉर लूप है, ये सेकंड फॉर लूप है। तो ये वाला जो n होगा ना, ये फर्स्ट वाला जो फॉर लूप होगा वो कितनी बार, n बार चलेगा, क्यों चलेगा, वन से स्टार्ट हो रहा है, आई लेस देन इक्वल टू एन पे डिपेंड कर रहा है, और आई प्लस प्लस एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे तो पता है ना कि एन तक चलेगा, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे हमें पता है एन तक चलेगा, ठीक है। तो जब एन तक चलेगा तो अंदर वाला लूप का हमें नहीं पता है, ठीक है ना, अंदर वाला लूप। तो अंदर वाले लूप के लिए ये एक बार के लिए चलेगा, दो बार के लिए चलेगा, तीन बार के लिए चलेगा, सबके लिए चलेगा, एन टाइम्स के लिए भी चलेगा, सबके लिए चलेगा, पर एन प्लस वन के लिए ये रॉन्ग हो जाएगा। देखो हायरार्की अगर देखें तो वन था तो वन के लिए चला, टू था तो वन टू के लिए चला, तो थ्री था वन टू थ्री के लिए चला, तो एन है तो वन टू थ्री से लेके एन तक चलेगा और एन प्लस वन में जो है फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कितनी बार चला, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग ये तीन कैसे लिखे, वन प्लस टू प्लस थ्री, ये टू कैसे लिखे, वन प्लस टू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर के प्लस एन तक, ठीक है। तो यहाँ पे आइट्रेशन क्या होगा, वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर के एन तक, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है,
ये हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ पे अपने लिखेंगे, देखो जब हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना वो क्या होता है, हमारा अंदर वाला स्टेटमेंट पे जो डिपेंड करता है, मतलब आइटरेशन पे, वो कितना आइटरेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना वो हमारा नंबर ऑफ आइटरेशन पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने आई और जे के लिए जो है पूरा आइटरेशन जो हमने यहाँ पर ये वाला निकाला है, ये वाला आइटरेशन, ठीक है। तो ये क्या आया है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि हमारा डायरेक्ट, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ ऑफ एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एन इक्वल टू ये एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई टू, यानी कि एफ ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, हायर ऑर्डर टर्म जो है हमारा स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर आया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर इस वाले स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट। कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट में क्या है, एक फॉर लूप है उसकी, वो खत्म हो गया, उसके बाद दूसरी बार फिर से फॉर लूप स्टार्ट हुआ, ये फॉर लूप है और इसके बाद दूसरा फॉर लूप है। तो यहाँ पे इसमें क्या करते हैं ना, मतलब एक फॉर लूप के अंदर फॉर लूप नहीं है, बाहर है उसके फॉर लूप। तो सिंपली ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा एन प्लस वन टाइम चलेगा और ये वाला एन टाइम चलेगा। इस तरीके से ये हमारा एन प्लस वन टाइम चलेगा और ये हमारा एन टाइम चलेगा। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, फिर ये स्टार्ट हुआ ये फॉर लूप और ये फिर यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले पे और इस वाले पे डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो टाइम होगा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा एन प्लस वन प्लस एन प्लस एन प्लस वन प्लस एन, ठीक है। सबको ऐड करेंगे ना हम लोग, यहाँ पे कुछ अंदर नहीं है एक दूसरे फॉर लूप के अंदर, सब जो है इस तरीके से बाहर बाहर है। तो इसको प्लस करेंगे, फिर इसको इसको सबको प्लस करेंगे, ठीक है। तो क्या, कितनी बार एन है, एक दो तीन चार बार एन है, फोर एन प्लस टू। सो एफ ऑफ एन आया हमारा फोर एन प्लस टू, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। अगर हमारा कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट रहता ना, एक के बाद एक खत्म हो गया फिर दूसरा आया, तो सिंपली क्या करते ना, ऐड करते हम लोग, ठीक है। तो ये वाला इस वाले के लिए हमें पता है, हमने अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी, एन हमने निकाला था, इस वाले के लिए भी एन। तो एन प्लस एन क्या होगा, टू एन, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टू हमारा कॉन्स्टेंट है, तो हमारा बिग ओ ऑफ एन आ जाता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। उसके बाद एक इफ एल्स स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, इफ एल्स स्टेटमेंट में एक चीज याद रखने की जरूरत है, या तो इफ पार्ट चलेगा या फिर एल्स पार्ट चलेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक चलेगा, दोनों कभी नहीं चलेगा, तो दो केस बन जाते हैं, ठीक है ना। अब यूजर की इनपुट पे डिपेंड करता है कि मान लो यूजर ने कुछ ऐसा इनपुट डाल दिया कि इफ पार्ट चल रहा है, तो इफ पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, और एल्स पार्ट डाल दिया तो एल्स पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ। अगर इफ पार्ट के अंदर बहुत बड़ी सी कोड लिखी हुई है ना, तो फिर हमारा वो हो जाएगा वर्स्ट केस। लेकिन यूजर ने कुछ ऐसा डाला जो मतलब अच्छा इनपुट डाल दिया, हमारा एल्स पार्ट चल रहा है, उसमें बहुत छोटी सी कोड लिखी है एक लाइन में, तो वो चीज हो गया। तो दो तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है, मिल सकती है, मे बी मे नॉट बी। अगर दोनों में सेम सेम कोड होगा, दोनों में एक फॉर लूप एक फॉर लूप है, तो सेम कॉम्प्लेक्सिटी, अलग अलग है तो अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी। सेम अगर फॉर लूप है तो ठीक है, चलो मान लिए। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया जहाँ पे है ना, जहाँ पे अगर यूजर ए इक्वल टू जीरो है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट एक बार चल रहा है, अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, मतलब कॉन्स्टेंट बिग ओ ऑफ सी हो जाएगा हमारा इस वाले कोड की कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन सब केस में होगा क्या, नहीं होगा सब केस में, ठीक है। सिर्फ उस केस में होगा जब ए की वैल्यू जीरो रहेगी, लेकिन जब ए की वैल्यू जीरो नहीं रहेगी उस केस में क्या होगा, एल्स पार्ट चलेगा, ठीक है। जब एल्स पार्ट चलेगा तो ये फॉर लूप स्टेटमेंट चल जाएगा, और इस फॉर लूप में क्या है, आई इक्वल टू वन से लेकर के एन तक आई प्लस प्लस है, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे और रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट का हमें पता है, ये जो फॉर लूप स्टेटमेंट है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ एन होगी, ठीक है। तो दो केस बने, अगर हमारा इफ पार्ट चल रहा है तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ वन, अगर एल्स पार्ट चल रहा है तो ये चलेगा और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं बेस्ट केस, ठीक है। बेस्ट केस में क्या होगा, हमारी इफ पार्ट चलेगा, ठीक है, ये वाला इफ पार्ट चलेगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी बिग ओ ऑफ वन, ठीक है। सॉरी बिग ओ ऑफ वन नहीं लिखते कहा, हाँ बिग ओ ऑफ वन भी आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या बेस्ट केस की बात कर रहे हैं, बेस्ट केस को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ओमेगा ऑफ वन लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वन लिखना भी ज्यादा गलत नहीं है, कहीं कहीं पे ओ ऑफ वन भी लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद वर्स्ट केस अगर देखें, तो वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी,
सेम कोड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये यूजर के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है कि वो कैसा इनपुट डाले, बेस्ट इनपुट डाल रहा है कि वर्स्ट डाल रहा है। तो वर्स्ट केस में क्या होगा ना, हमारा ये वाला चीज चलेगा, ठीक है, ये वाला चीज चलेगा एल्स वाला। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, बिगो ऑफ एन। अब यहाँ पे बिगो लिया है क्योंकि हमारा ये वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इफ और एल्स स्टेटमेंट देखते हैं, या तो इफ का मानते हैं या तो एल्स का मानते हैं। अब मान लो यहाँ पे रिटर्न ट्रू लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई एक सिंगल सा स्टेटमेंट लिखा रहता, फॉर लूप नहीं रहता, कोई सिंगल सा स्टेटमेंट और रिटर्न ट्रू रहता, तो इसका जो है बेस्ट केस वर्स्ट केस सब सेम रहता, बिगो ऑफ वन बिगो ऑफ वन, ठीक है। उसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि ये क्या होता है। देखो यहाँ पे एक फॉर लूप लिया हुआ है, i इक्वल टू वन से लेकर स्टार्ट हुआ, i लेस देन इक्वल टू n भी है, ठीक है, लेकिन जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो i इक्वल टू i इंटू मल्टीप्लाइड बाई टू से हो रहा है, मतलब एक एक करके इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो अब इस चीज को हम लोग नहीं कह सकते कि अगर यूजर ने पांच इनपुट डाला है ना तो ये लूप पांच बार चलेगा, इंक्रीमेंट एक एक करके नहीं हो रहा है कि एक बार के लिए दो बार के लिए, वो मल्टीप्लाइड बाई टू से जो है हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, देखो i की वैल्यू, ठीक है, सबसे पहले i इक्वल टू वन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, i इक्वल टू वन से स्टार्ट हुआ, इंक्रीमेंट हो रहा है क्या, i को टू से मल्टीप्लाई करके इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब जब दोबारा ये लूप चल गया ये स्टेटमेंट। और हमें यहाँ पे a से मतलब नहीं है, a की वैल्यू कुछ भी, a में जो भी वैल्यू रहेगी वो प्लस टू कर रहा है, तो एक एक बार ये स्टेटमेंट चलते जाएगा, ये डिपेंड नहीं कर रहा है। हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितनी बार चल रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे हमें देख के नहीं लग रहा है कि ये सेम टाइम चलेगा, एक से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो सिर्फ i की वैल्यू देखते हैं, i इक्वल टू आई इंटू टू है, तो क्या होगा दूसरी बार में, ये क्या होगा, जो भी वैल्यू है यानी कि पहले वन है तो इसको इंटू टू कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा सेकेंड में i इक्वल टू वन इंटू टू, ठीक है। तो ये क्या था, अच्छा ठीक है, i वन इंटू टू हो गया, ठीक है, तो ये हमारा है टू टू द पावर जीरो, ये है टू टू द पावर वन, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर से जो है हमारा फॉर लूप चलेगा, तो इस बार क्या होगा, i इक्वल टू थ्री नहीं होगा, i इक्वल टू क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो था जो भी i की वैल्यू थी उसमें टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तब वो हमारा बनेगा। तो जो भी है क्या था हमारे पास, टू टू द पावर वन, टू टू द पावर वन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे टू से, तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर। उसके बाद फिर से लूप चलेगा, तो फिर से टू का स्क्वायर को फिर से यहाँ पे क्या है, टू टू से इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सबको टू से मल्टीप्लाई करते जाओ टू, तो ये क्या हो गया, टू का क्यूब, फिर टू का क्यूब है, फिर उसको टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर हो जा रहा है टू का पावर फोर। तो अब यहाँ पे इस केस में हमें ना नहीं पता है कि ये कितनी बार चलेगा, एन टाइम्स नहीं मान सकते, एन टाइम नहीं चल रहा है, ये हमें नहीं पता है कितनी बार चल रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं ये जो है कितनी बार चलेगा, टू टू दी पावर के टाइम्स चलेगा, ठीक है, हम लोग हायरार्की मानते हैं, ठीक है, किस तरीके से चल रहा है, जैसे टू का पावर जीरो, टू टू से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो टू का पावर के टाइम्स चलेगा। अब ये टू का पावर के का जो है टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगा, लिखते हैं यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन, वो स्टेटमेंट कितनी बार चल रहा है वो डिपेंड करता है ना कि कितनी बार चल रहा है और टर्मिनेट कब हो रहा है। तो जब टर्मिनेट हो रहा है उससे एक बार पहले तक का वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा, उसका अंदर का स्टेटमेंट उतनी बार चलेगा। तो टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगा, हमें पता है ये वाला जो स्टेटमेंट होता है ये टर्मिनेटिंग कंडीशन होता है, तो ये आई लेस देन इक्वल टू एन के लिए ट्रू होगा, लेकिन जब आई ग्रेटर देन एन हो जाएगा तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है, आई ग्रेटर देन एन। अब आई की वैल्यू हमने यहाँ पर देखा है कि आई की वैल्यू क्या निकाली है हमने, टू टू दी पावर के, मतलब टू टू दी पावर के टाइम तक चलेगा मान लेते हैं, और वो हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन होगा उसके एक के वैल्यू तक। तो ये आई क्या है, टू टू दी पावर के ग्रेटर देन एन, ठीक है। तो अब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, लॉग टू टू दी पावर के ग्रेटर देन लॉग एन, तो ये हो जाएगा लॉग, सॉरी के इधर आएगा, लॉग टू बेस टू मान लेते हैं, यहां पर भी लॉग एन, इसका भी बेस टू मान लेते हैं। अब लॉग टू बेस टू हमें पता है वन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा के ग्रेटर देन लॉग एन बेस टू, ठीक है। अब इस तरीके से हमें पता चल गया कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग ओ ऑफ लॉग एन, ठीक है। हमारा जो लूप चल रहा है वो इसी पे डिपेंड कर रहा है ना, ये वाला टर्मिनेटिंग कंडीशन पे। तो हम लोग का जो है के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि के ही वैल्यू है हमारी आई की वैल्यू और हमने उसको के माना है, तो जो के का जो वैल्यू है वो हमारा आ रहा है ग्रेटर देन लॉग एन, ठीक है। तो मतलब एन तक चलेगा, के की वैल्यू जो है लॉग एन आ रही है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिगो ऑफ लॉग एन, ठीक है। ये था हमारा एक लॉग वाला एग्जाम्पल। दूसरा है हमारा, हमने ये वाला एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है, देखो आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, और ये जो हमारा इंक्रीमेंट वाला कंडीशन है वो हो रहा है आई इक्वल टू आई बाई टू से, कुछ इस तरीके से जो है हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको चलो आई की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं।
पहले होगा आई की वैल्यू एन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे वन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इधर पे हमारा वन से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे हमारा एन से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले में आई की वैल्यू एन रहेगी, ठीक है। सेकेंड टाइम में आई की वैल्यू जो भी रहेगी ना वो डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है, ये वाला स्टेटमेंट मान लेते हैं अभी तक का करेक्ट चल रहा है, चलेगा 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 करेक्ट तक। फॉल्स वाले कंडीशन हमें निकालना है, तो जितनी बार करेक्ट चलेगा ना उतनी बार इतने से जो हमारा इंक्रीमेंट होगा, मतलब जो भी आई का वैल्यू रहेगा वो डिवाइडेड बाई टू। तो आई की वैल्यू एन थी तो एन बाई टू, फिर आई की वैल्यू जो हमारी हुई एन बाई टू इसको भी डिवाइडेड बाई टू कर देंगे, इतना डिवाइडेड बाई टू, तो क्या हो जाएगा एन डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर। फिर से ये वाला वैल्यू आया, इसको फिर से डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो आएगा हमारा एन डिवाइडेड बाई टू का क्यूब। कितनी बार चलेगा मान लेते हैं ये एन डिवाइडेड बाई टू टू द पावर के टाइम्स चलेगा, कितनी बार चलेगा हमें नहीं पता है ना, तो हम मान लेते हैं कि ये चलेगा हमारा एन डिवाइडेड बाई टू टू द पावर के टाइम्स। तो ये क्या होगा, अब हम लोग निकालना है अपना टर्मिनेटिंग कंडीशन। हमें पता चल गया कि कितनी बार चलेगा, अब हमें वो कंडीशन निकालना है। कंडीशन हमारा दिया ही हुआ रहता है फॉर लूप में, सो टर्मिनेटिंग कंडीशन, ये टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगा, आई जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं लिखती नहीं हूँ यहाँ पे अदरवाइज लगेगा, ठीक है चलो। आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन जो था हमारा वो हमारा करेक्ट के लिए था, जब ये करेक्ट होगा तो लूप के अंदर जाएगा। तो टर्मिनेट कब होगा, जब हमारा आई लेस देन वन होगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग कंडीशन है हमारा आई लेस देन वन। अब आई की वैल्यू हमने यहाँ पर से निकाली है, ये हमारी आई की वैल्यू, ये चल रहा है कहाँ तक, एन बाई टू टू दी पावर के तक, तो मतलब एन डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर के लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एन लेस देन इक्वल टू 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 दी पावर के, लॉग लगाएंगे तो हो जाएगा लॉग एन लेस देन के लॉग टू बेस टू, लॉग टू बेस टू हो जाएगा वन, ठीक है। ये हो जाएगा वन, यानी कि लॉग एन लेस देन के, लॉग एन लेस देन के का मतलब के ग्रेटर देन लॉग एन, तो इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ हमारा, बिग ओ ऑफ लॉग एन, ठीक है। ये आया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले कोड के लिए, इस वाले पीस ऑफ कोड या फिर एल्गोरिथम के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद अगर थोड़ा लॉग वगैरह में कंफ्यूजन हो रहा है या फिर अगर आप लोग को वन, जैसे मैंने यहाँ पे क्या वन प्लस टू को वन प्लस टू प्लस थ्री से एन तक है तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कर दिया, इस तरीके की चीजें अगर आप लोग भूल गए हो तो एक रिविजन के लिए मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये कॉमनली यूज रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करते ना, अगर टू एन प्लस टू है तो हम लोग इसको बिग ओ ऑफ एन लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हम लोग लिख सकते हैं अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। वन हम लोग यूज कर सकते हैं, बिग ओ ऑफ वन यूज कर सकते हैं, बिग ओ ऑफ एन कर सकते हैं, बिग ओ ऑफ सॉरी बिग ओ ऑफ लॉग इन कर सकते हैं, बिग ओ ऑफ एन कर सकते हैं, एन लॉग इन भी हम लोग यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं लीनियर लॉगरिथम, एन स्क्वायर कर सकते हैं, एन क्यूब कर सकते हैं, टू टू दी पावर एन कर सकते हैं और एन का फैक्टोरियल कर सकते हैं। इस चीज को मैं जो है आगे की वीडियो में बताऊंगी, रेट ऑफ ग्रोथ जब पढ़ेंगे हम लोग तब इस चीज को थोड़ा सा दिखाएंगे कंपेयर करके कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस तरीके से, ठीक है। ये बस मैंने अभी याद रखने के लिए बताया कि ये रेट ऑफ ग्रोथ होता है, ठीक है। तो कॉमनली यूज लॉगरिथम एंड समेशन का जो ये फॉर्मूलाज होते हैं ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लो रिविजन कर लो याद हो जाएगा। लॉग एक्स टू दी पावर वाई है तो ये वाई जो है इधर आ जाता है और हो जाता है वाई लॉग एक्स। इसी तरीके से अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों को अलग अलग करके सम लिख सकते हैं। अगर ए टू दी पावर लॉग एक्स बेस भी है तो हम लोग लिख सकते हैं, एक्स को यहाँ पे लिख सकते हैं, लॉग ए बेस भी कर सकते हैं, इस वाले को हम लोग उसका पूरे का ये पावर देके के ले सकते हैं। तो ये सब कॉमन जो है हम लोग लॉगरिथम का जो है कह सकते हैं फंक्शन है, फॉर्मूला, इसको याद कर लेना आप लोग या फिर रिवाइज कर लेना, ठीक है। और ये मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिख दिए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, अगर आप लोग गेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा उसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर इस तरीके का कुछ आ रहा है तो आप लोग इस तरीके का यूज कर सकते हैं। अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं वन प्लस टू प्लस से लेकर के एन तक जाएगा तो एन प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, अगर इस तरीके से बढ़ेगा वन प्लस एक्स प्लस टू टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर एन, इस तरीके से अगर बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला। हार्मोनिक सीरीज का फॉर्मूला हमारा ये होता है, सब हमने पढ़ा हुआ है, बस हम जो है डिवीजन कर लो यहाँ से। और उसके बाद दो और फॉर्मूला लिखे हैं मैंने कि अगर लॉग के है और के इक्वल टू वन से लेके एन तक जा रहा है तो वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग उसको एन लॉग एन मान सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर के टू दी पावर पी है और के की वैल्यू वन से एन तक जा रही है, यानी कि वन का पावर पी, टू का पावर पी, इस तरीके से एन टू दी पावर पी, तो ये अब हमारा अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई पी इंटू एन टू दी पावर पी प्लस वन। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, आप लोग याद कर लेना। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।